जी हाँ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज बेंगलोर के खिलाफ कैसे पंजाब की टीम के बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर बेंगलोर की टीम के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा डाले। उनकी बल्लेबाजी के पूरे वीडियो तो आपको यहाँ पर हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि पंजाब और आरसीबी में से कौन सी टीम ज्यादा खतरनाक है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि आज पंजाब किंग्स और आरसीबी की टीम के बीच बेहद ही रोमांचक मुकाबला आईपीएल 2022 का खेला गया, जहां आज के इस मुकाबले में आरसीबी की टीम के कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और पंजाब किंग्स की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। हालांकि दोस्तों यहां पर पंजाब किंग्स की टीम की शुरुआत तो अच्छी नहीं थी, लेकिन अंजाम जिस तरह का पंजाब के बल्लेबाजों ने दिया उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। दरअसल हुआ ये कि आज जब पंजाब की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी थी तो यहां पर पंजाब की तरफ से आज एक बार फिर से जॉनी बेस्टो और शिखर धवन पारी की शुरुआत करने के लिए उतरे। हालांकि दोस्तों एक छोर पर जहां जॉनी बेस्टो चौके और छक्कों की खूब बरसात कर रहे थे और एक के बाद एक चौके छक्के बरसाए जा रहे थे, लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ शिखर धवन जो कि अपना बल्ला चलाना शुरू करे ही थे, वो आज 15 गेंदों में 21 रन बनाकर आउट हुए और अपनी इस पारी में उन्होंने 2 चौके और एक बड़ा छक्का लगाया। हालांकि दोस्तों शिखर धवन को ग्लेन मैक्सवेल ने चतुराई से आउट किया, जहां 5वें ओवर की 6ठी गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल ने शिखर धवन के रूप में पंजाब की टीम को पहला बड़ा झटका दिया और पंजाब की टीम का पहला विकेट 60 रन के कुल स्कोर पर गिरा। तो वहीं शिखर धवन के आउट होने के बाद फिर मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भानुका राजपक्षे, जहां भानुका राजपक्षे भी आज वानिंदू हसरंगा के आगे चल नहीं पाए। जी हां दोस्तों, पिछले मुकाबले में हसरंगा की गेंदों पर उनके पसीने छुटा देने वाले भानुका आज 3 गेंदों में मात्र 1 रन ही बना सके और उनको वानिंदू हसरंगा ने हर्षल पटेल के हाथों कैच आउट करवाया और ये 2 बड़े झटके पंजाब की टीम को बस मात्र 85 रन के स्कोर पर ही लग चुके थे। लेकिन यहाँ पर पंजाब की तरफ से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे जॉनी बेस्टो। जी हाँ दोस्तों, जॉनी बेस्टो ने जहाँ एक छोर संभाल कर रखा हुआ था और वो खूब बल्लेबाजी कर टीम के स्कोर को उच्च लेवल पर ले जाने की कोशिश करते हुए नजर आए, लेकिन शहबाज अहमद जब अपना दूसरा ओवर लेकर आए तो उन्होंने मोहम्मद सिराज के हाथों उनको कैच आउट करवा दिया, जहाँ जॉनी बेस्टो आज 29 गेंदों में 66 रन बनाकर आउट हुए और अपनी इस पारी में उन्होंने 4 चौके और 7 बड़े छक्के लगाए। तो वहीं जॉनी बेस्टो के विकेट के बाद फिर मैदान पर आए लियम लिविंगस्टोन और मयंक अग्रवाल, जहां पर ये दोनों ही बल्लेबाज आज आक्रामक रूप में दिखाई दिए। जहां दोस्तों आज मैदान पर लियम लिविंगस्टोन जहां स्कोर को 200 रन की तरफ बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ मयंक अग्रवाल ने भी बखूबी उनका साथ निभाया और यहां पर लियम लिविंगस्टोन ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए आज के इस मुकाबले में मयंक अग्रवाल का बखूबी साथ निभाया और दोनों ने 50 रन की साझेदारी करी। बाकी आप सभी पूरा स्कोर कार्ड भी यहां पर देख सकते हो कि जितेश शर्मा ने कितने रन बनाए, शिखर धवन ने कितने रन बनाए और गेंदबाजी की बात कर लें तो ग्लेन मैक्सवेल को 1 विकेट मिला, हसरंगा को 1 और शाहबाज अहमद को 1 सफलता हाथ लगी। तो ऐसे में दोस्तों अब आप सभी की क्या राय है आज का ये रोमांचक मुकाबला देखने के बाद और आप इस मुकाबले के बाद 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे जॉनी बेस्टो और लियम लिविंगस्टोन की खतरनाक बल्लेबाजी को? आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।